गुरुकुलीय परंपरा आर्य समाज की एक आधार के रूप में जो है वो जानी जाती है, लेकिन जब इन गुरुकुलों के ऊपर आक्रमण होने लगता है, कहीं ना कहीं उनको हथियाने का प्रयास होने लगता है, तो मन विचलित होता है। तब लगता है कि कहीं ना कहीं ऋषि दयानंद के साथ, उनकी मान्यताओं के साथ एक द्रोह करने का प्रयास हो रहा है। ऐसा ही कुछ प्रयास पिछले लंबे समय से चल रहा है हरिद्वार में। आप सभी जानते हैं स्वामी दर्शनानंद जी ने 1907 में गुरुकुल की स्थापना की और ऐतिहासिक भूमिकाएं रही हैं। आजकल जो कुछ स्थिति चल रही है उसके लिए एक संघर्ष चल रहा है कि कैसे गुरुकुल बचे। उस संघर्ष समिति के संयोजक स्वामी यजमुनि जी, आप सभी जानते हैं, आर्य समाज के वरिष्ठ सन्यासी हैं, वो हमारे साथ हैं, वो इस समिति के संयोजक हैं। उनसे जानेंगे कि पूरा वाक्य क्या है, क्या रोजगार का पूरा प्रकरण है स्वामी। हाँ, प्रकरण यह है, जैसा संक्षेप में आपने बताया, मैं ऋषि दयानंद की मान्यताओं के अनुकूल, जैसा शिक्षा पद्धति उन्होंने कहा था कि हमारी शिक्षा पद्धति वही प्राचीन वेद अनुकूल, वेद की पढ़ाई के लिए और संस्कृत आदि की अपनी जो भाषा है उसकी उन्नति के लिए कार्य किया जाए, जो उस समय प्राय लुप्त हो चुका है। उसके लिए दो महान व्यक्ति तो हमारे बीच में आए, स्वामी सिद्धानंद सरस्वती और स्वामी दर्शनानंद सरस्वती। स्वामी हमारे उन्होंने सिद्धानंद जी ने 1902 में वहाँ पर कांगड़ी और 1907 में यहाँ पर ज्वालापुर में महाविद्यालय बना स्वामी दर्शनानंद जी ने, क्योंकि दर्शनानंद जी को यहाँ पर एक पुलिस के इंस्पेक्टर ने अपनी ये भूमि 350 बीघा दाम दी। अब क्योंकि ये गुरुकुल यहाँ चल रहा है, अभी भी 200 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ भूमि आप क्योंकि शहर के बीच में आ चुकी प्रॉपर्टी, और 350 बीघा का मतलब है 1000 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी, तो इसको कब्जाने के लिए, इसमें कुछ वो करने के लिए, कॉलोनाइजर कॉलोनाइज बनाने के लिए यहाँ का जो मंत्री है, हरिद्वार से ही है, उत्तराखंड मंत्रिमंडल में कौशिक मदन कौशिक, उसने रजिस्ट्रार के यहाँ एक रजिस्ट्रेशन करा, करा नहीं, रजिस्ट्रेशन के लिए कॉपी दी, जिसमें उस अपने आप को उपाध्यक्ष कर, और वो रिसीव कॉपी के आधार पर ही यहाँ पर 5 तारीख में कुछ गुरुओं को भेज करके कब्जा करा लिया। समझे मैं प्रोग्राम बीच में, आप कह रहे हैं कि उन्होंने उपाध्यक्ष के लिए अपनी अर्जी लगाई, क्या वो पहले मेंबर थे? नहीं, मेंबर कभी नहीं थे, न आर्य समाजी है, न आर्य समाज का नियम जानता, उसे तो ये भी पता नहीं आर्य समाज के नियम क्या है। तो फिर जो मेंबर भी नहीं है वो पदाधिकारी कैसे बन सकते हैं? नहीं, नहीं बन सकता, हमारे बायलॉज में ये है कि कम से कम 3 वर्ष तक आर्य समाज का सदस्य रह करके ही वोट का अधिकार मिलता है। वो तो एक भी किसी आर्य समाज में भी कभी नहीं गया और न यहाँ का सदस्य है, तो इस प्रकार से नंबर 2 में वो केवल कब्जा करने के लिए और अपनी ताकत के दम पर कि मैं मिनिस्टर हूँ, लेकिन ये नहीं समझता कि ये आर्यों की भूमि, जो उन आर्यों की जिन्होंने निजाम हैदराबाद को नहीं बख्शा, उसके दांत इकट्ठे कर दिए, जिन्होंने अंग्रेजों को भगाने का काम किया। सच्चाई ये है कि जो अपने आप को आज ये कहते हैं हम इस देश के रक्षक हैं, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ यह हरिद्वार बहुत बड़ा पवित्र स्थल है, लेकिन यहाँ के किसी महंत ने भी कभी देश की आज़ादी में कोई कार्य नहीं किया, जबकि यहीं से इस गुरुकुल से जत्थे गए निजाम हैदराबाद के, गिरफ्तारियां दी, जबकि महात्मा गांधी ने भी ये कहा था कि आर्य समाज ने पहली लड़ाई में ही पहाड़ से टक्कर ले ली, लेकिन उस पहाड़ को चूरा चूरा करके चकनाचूर करके आर्य वहाँ से विजय होकर के आए थे। अंग्रेजों भगाने का काम किया, ये तो है क्या, हम तब तक चैन नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि आज ये धरती पुकार रही है कि आर्यों मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, तो हमने भी कसम खाई है कि जब तक हम जिंदा हैं इसके ऊपर यदि कोई आंख उठाएगा वो तुरंत फोड़ दी जाएगी, हम इतने कमजोर नहीं है, पूरा देश के जो आर्य समाजी है, वैदिक धर्मी है, वेदों को मानने वाले हैं और इसकी देश की संस्कृति और सभ्यता को मानने वाले हैं, वो सब के सब जो सत्यवादी है, सत्य के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, धर्म प्रेमी है, वो पूरा देश आज इसको बचाने के लिए खड़ा है। जिनको हमने सत्ता पर बैठाया, इस आदमी को हम सत्ता से हटाना भी जानते हैं, हम इतने कमजोर नहीं है। समझ में, 3 बात आपसे पूछूंगा। अब 3 तरह के लोग इसमें काम करेंगे, एक तो सरकार से आप क्या मांग करेंगे, एक नंबर से ये है, दूसरा
दूसरा जो आर्य समाज के जो लोग हैं पूरे देश में भी, उनसे आप क्या आह्वान करेंगे? तीसरा आपकी रणनीति क्या रहेगी? सबसे पहले आप सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से हम मांग करेंगे कि उस ऐसे व्यक्ति और जैसे और भी उसके साथ जुड़े हुए हैं जो भू माफिया है, उनके विरुद्ध जांच सीबीआई से या मैं कहता हूं चाहे मजिस्ट्रेट से जांच करा लें, लेकिन जांच तब हो जब उसे मंत्रालय मंत्री पद से हटा दिया जाए, अदरवाइज जांच को प्रभावित करेगा। तो इसलिए नंबर एक बात, दूसरा समाज के जो लोग हैं जो यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं या जिनको आप आह्वान, उन सबके लिए आह्वान कर रहा हूँ, और मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, सभी लोग अपने अपने फेसबुक से व्हाट्सएप से पूरे देश और दुनिया में, क्योंकि मेरे पास पूरे देश के अलग अलग देशों से मैसेजेज आ रहे हैं और यहाँ भी पूरे देश से समाचार आ रहे हैं। कुछ परिस्थितियाँ क्योंकि यहाँ ऐसी विकट हो गई है कि आर्यों ने अपना लंगोट खींच लिया है, गांव की भाषा में कहता हूँ, और अब हम मैदान जंग में आन डटे हैं और इस मैदान जंग में वही हाल हम करेंगे जो निजाम हैदराबाद का किया था, होश में आ जाओ। समझे आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति यह है कि आज हम शासन से जो मांग कर रहे हैं, जैसे आपको बता, यदि इस पर कार्रवाई नहीं होती तो फिर आगे की, अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे बहुत लंबी बार बार की लड़ाई है, और केवल इस भूमि को नहीं, आर्य समाज का कहीं भी स्थल है, चाहे आर्य समाज है, चाहे हमारा गुरुकुल है, चाहे हमारा गौशाला है, चाहे अनाथालय है, चाहे विद्यालय है, उन पर यदि कोई आंख उठाएगा, कब्जा करने का प्रयास करेगा, तो हम अब जाग गए हैं। हम किसी को भी किसी स्थान पर भी सब पूरे देश में चेतावनी देते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, अकेला कोई कुछ नहीं होता, ये एक संस्था है, ये संगठन है, और जब संगठन इकट्ठा होता है, अलग अलग नहीं, सब संगठन इकट्ठे हो गए, हम जब जमाने पर जमाएंगे तो दांत बाहर निकल आएंगे। आज जहां वैदिक अधिमंडल, वैदिक विरक्त मंडल के सारे साधु संन्यासी ब्रह्मचारी और वानप्रस्थी, और वहीं पर सारे आर्य समाज के संगठन, चाहे उत्तराखंड का है, चाहे अन्य प्रांतों का है, और चाहे वो आर्य निजमाती सभा है, आज हम सब अपने मतभेद आपस में भुला करके एक मंच पर इकट्ठे हैं, और एक मंच पर इकट्ठे रहेंगे, जो संतरा ऊपर से एक होता है, अंदर भले ही फाड़ हो, लेकिन हम अलग अलग रह करके भी अपने आपस में हम कुछ भी करें, लेकिन आर्य समाज की भूमि और भवन को बचाने के लिए हम सब एक हैं। आर्य समाज के भवन और भूमि को बचाने के लिए हम सब एक हैं। और शायद मैं एक टिप्पणी कर रहा हूँ, स्वामी जी कह रहे हैं कि आपस के झगड़े, मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिस है आर्य समाज के लोगों की आपस में लड़ते रहने की, और जब सामने वाले से टक्कर होती है तो उनको जो स्वामी जी ने कहा उसको नानी याद आ जाती है। आप सभी से भी कि आज बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से पूरा आर्य समाज सन्यासियों के नेतृत्व में जुलूस निकाल रहा है हरिद्वार में, जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। और दूसरी बात, सिर्फ सोशल मीडिया से कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती, धरातल पर आना पड़ेगा। जैसे आगे की रणनीति बनेगी मैं स्वामी जी के साथ दोबारा से हाजिर होंगे और प्रयास करेंगे कि अब सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, धरातल पर लड़ाई लड़ेंगे। अपने साथी ऋषि शास्त्री के साथ दीक्षेंद्र आर्य, ज्वालापुर हरिद्वार।